में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए उज्जैन के शासकीय आयुर्वेदिक अस्पताल में जड़ी बूटी से बनाया गया काढ़ा पिलाया जा रहा है और नाक में डालने के लिए ड्रॉप दिया जा रहा है। वहीं काढ़ा बनाने के लिए चूर्ण भी दिया जा रहा है ताकि घर पर काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। उज्जैन देश भर में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं प्रशासन अपनी तरफ से एहतियात बरत रही है। अब कोरोना से बचने के लिए उज्जैन का शासकीय आयुर्वेद अस्पताल में कोरोना के संक्रमण व अन्य मौसमी बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम व बुखार आदि से बचने के लिए शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पिलाया जा रहा है। वहीं साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा रही है। आज सुबह से आयुर्वेदिक अस्पताल में काढ़ा पीने के लिए 200 से अधिक लोग आ चुके हैं। इस काढ़े के सेवन से हर व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और वो आसानी से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ सकेगा। उज्जैन के आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 2 बजे तक इस काढ़े का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। हमने यहाँ पर स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, संक्रामक रोग से बचाव के लिए, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए यह औषधियुक्त काढ़ा बनाया है। हमारा मूल उद्देश्य है कि जो संक्रामक वायरस जो फैल रहा है, समाज के लिए नुकसानदायक है, उससे कैसा बचा जा सके, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके, उस दृष्टिकोण से औषधियुक्त काढ़ा। इसके अंदर हमने सड़ंग पानी, जिसमें मुस्तक है, उशीर है, चंदन है, नागरमोथा है, इसको उबाल कर गुड़ द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, उसका उपयोग करके काढ़े के रूप में दे रहे हैं। साथ में एक अणु तेल नस्यार्थ प्रयोग करा रहे हैं, जो जीवाणु है नाक के माध्यम से अंदर शरीर में न प्रवेश करे और वहाँ वहीं रुक जाए, इसलिए उसे नस्यार्थ प्रयोग किया है। तीसरा हम एक टेबलेट दे रहे हैं, संचमनी वटी जो दे रहे हैं हम, वह ज्वरनाशक भी है और व्याधि क्षमत्व को उत्पन्न करती है। काढ़ा टेस्ट में भी अच्छा ही है, इतना भी ऐसा नहीं है, अच्छा लगा पीने में भी, मतलब गले में भी थोड़ा लग रहा है, रिलैक्स है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सर्दी टाइप और गले में खराश ऐसा हो रहा था। तो भाई मेरी मम्मी यहाँ पर वर्क करती है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर चलो, काढ़ा मिल रहा है, अच्छा है, फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मैं आई हूँ काढ़े को लेने। अच्छा लगा मुझे भी। संचालन लाल, आयुष मध्य प्रदेश का एक एम है कि जो आयुष चिकित्सा पद्धति है, इसमें जो होने वाले वायरस बीमारियां हैं इनका अच्छा इलाज है, इसलिए हमने यहाँ पर एक कैंप आयोजित किया है, जिसमें मैं डॉक्टर प्रियस दीक्षित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त हूँ, और हम लोग जो औषधि से बनाया हुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला काढ़ा यहाँ वितरित किया जा रहा है, जिससे कि जो रोग होने के लिए इनकी रोकथाम की जा सके। इन रनिंग में करंट में बीमारी को चलते हुए एक महीने के लिए हमने प्रोटोकॉल बनाया है कि एक महीने तक हम काढ़ा देंगे, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है।